बदलो मत सेट कैमरा लुक कैमरा लुक मैम यहाँ पे लुक कैमरा मैम बंद सेंटर कैमरा लो सर चलो रोलिंग अरुण 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 जी पे आओ ओके मैम आज बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही हैं ग्रीन ड्रेस में और एक बिजनेस अवार्ड शो पर आए आप मतलब एंटरटेनमेंट कैमरा लो कैमरा लो मतलब कुछ सुनने आई ऑलवेज लुक But yeah, thank you so much for the compliment. And yes, this is entirely different from our industry. It belongs to the entertainment industry, but not everyone is aware of. But then I'm an entrepreneur as well. I used to run a cafe, so I am related to something like that. Yeah, so not entertainment today, but it's all about business today. Okay. Yeah. अच्छी लग रही हो ना आज भी स्टाइल आइकॉन ही लग रही हो ना ऑलवेज थैंक यू नथिंग आई एम जस्ट ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट पोजीशन बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू नो टेकिंग टाइम गेटिंग रेडी थिंकिंग व्हाट टू वेयर हाउ टू स्टाइल इट अप सो या थैंक यू सो मच शी इज वेयरिंग इमर्जिंग मॉन्टेक्रोमा तो आप इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर भी आपको अवार्ड मिला तो कौन सा एंटरप्रेन्योर कौन सी कंपनी आपको अगर आप कुछ बता सके एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बेसिकली दैट वी इन्वेस्ट इन ओनली वन फर्म दे आर कनेक्टेड विद ओनली वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस वी बिलोंग्स टू डिफरेंट एरियाज व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस सो व्हाट I used to do earlier was how I was related as an entrepreneur was with food business and now it is going to be the travel business so it is more. Okay, apart from this any upcoming project? It. Thank you ma'am. Thank you so much. Jannat camera look. Jannat you look. चलो रोलिंग सबसे पहले अवार्ड का सुनकर क्या आवाज आ रही है जितने भी पहले अवार्ड मैंने अटेंड किए हैं वो सब का फ्लैशबैक आता है मुझे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो एंड हर अवार्ड फंक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है मेरे लिए मैं उसको सिर्फ अटेंड कर रही हूँ या उसमें अवार्ड रिसीव कर रही हूँ सो या ये साल कितना लगी था आपके लिए अगर आपकी अगर बात की जाए तो जिस दिन हम देख रहे हैं बैक टू बैक आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं तो बताइए सर ओह ये साल का तो 3 महीना निकल गया पता भी नहीं चला है तो इट्स टाइम इज फ्लाइंग लाइक एवरी ईयर और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोर अवार्ड फंक्शन एंड मोर इंटरेक्शन विद यू गाइस थैंक यू वेरी मच Well, it's the style icon of the year, so really happy to receive it, second award in a month. So it feels really nice and thank you so much for
giving me this award. I guess style is something that, it's not about what you wear, it's about how you carry it, it's about how you be unique to your own self. So that's what style is about, and I'm glad that I'm able to be the icon for this. Yes. Yes, that's what second award in a month, so it feels great. So different categories hain. First I got, what did I get? I forgot. But yes, abhi style icon mila hai. So I guess you should always keep experimenting, right? You should spread your wings in every field. So it feels great to be awarded two different categories in a month. होली मैं हमेशा काफ़ी सालों से एक्चुअली ड्राई होली सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद इको फ्रेंडली कलर्स एंड इस साल मैं वैसे ही सेलिब्रेट करूँगी. देर इज़ अ म्यूजिक एल्बम लाइंड अप विद शांतनु फॉर सारे गामा लेबल सो दैट्स गोना कम अप नेक्स्ट मंथ एंड देर आर फ्यू अदर थिंग्स इन द पाइपलाइन दैट समथिंग आर कमिंग अप फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म सो स्टे ट्यून्ड आई लेट यू गाइस नो अबाउट दैट. इस साल विद समथिंग वेरी यूनिक समथिंग वेरी डिफरेंट समथिंग दैट नोबडी हैज डन बिफोर इन इंडिया सो दैट्स कमिंग अप वेरी वेरी सून. थैंक यू. मेरा कैमरा लो. This is the Lord Durga Ramanda Properties, a place in Washington. The CEO of Ramanda Properties, Mr. Rohit Gupta. Anuksha, center, camera. थोड़ा ये सेटिंग. हाँ, अभी अच्छा. अरे, पीछे से वो छोटा पियाल दिख रहा है. थोड़ा चेतन. अरे मोबाइल लाग गया. चलो बाइट कर. सॉरी. चलेगा चलेगा. सब भी याद है. पार्ट ला देते हैं. चेंज कर. बिजनेस लग रही हो तो कुछ आप बताना चाहिए. आज आपने नॉमिनेट किया गया है किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया वो बता दें. यूथ आइकन के लिए किया गया है एंड आई होप कि मैं यूथ आइकन हूँ. होपफुली लेट्स सी क्या होता है. फिंगर्स क्रॉस्ड क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो बोलते हैं मुझे दे लुक मतलब मेरा कंटेंट देखते हैं इंस्पायर होते हैं मुझसे तो शायद यूथ आइकन में हो सकती हूँ. बाकी लेट्स सी. यूथ आइकन है तो आपको क्या लगता है आप में अच्छी अच्छी क्वालिटी है दो बेस्ट क्वालिटी अगर आप बता सकते दो बेस्ट क्वालिटी. पहली बेस्ट क्वालिटी मेरे में ये है जो मुझे नहीं पता मैं नहीं कहती ये ठीक है क्योंकि मैं अपनी मम्मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ पर मुझे ये पता है कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट. बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एक साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हर जगह कंटेंट डालना है तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट. हर जगह मैं अच्छे से कंटेंट डाल देती हूँ. उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. कल भी रात में रात को 4 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे तो राइट एक ये चीज़ है कि मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ. और दूसरी चीज़ जो लोग ही बोलते हैं मेरे बारे में आई डोंट से इट दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. जिससे मैं बोलती हूँ मिलती हूँ मुझे ये बोलते हैं यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग. मैंने क्या तैयारी करनी है मतलब मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस करके दिल पे हाथ रख के बैठी हूँ. लेट्स सी मिल जाए मुझे अवार्ड और क्या. जैसे कि होली आने वाला है तो आपका होली के लिए क्या प्लानिंग है. ये होली आने वाली है. कल रात को ही हमने शूट किया है होली का वीडियो और आज आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 बजे. तो और होली का बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने शूट किया है. मैं होली के लिए मतलब सारे ही फेस्टिवल्स के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ. होली के लिए भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ. हमारा सॉन्ग भी आने वाला है शायद अगर होली के शायद वो थोड़ी बाद आए आई एम नॉट श्योर पहले भी आ सकता है बट बहुत सारी चीज़ें हैं लाइंड अप. वो हंस रहे हैं आपके कमेंट पे देख रहे हो आप. इसका मतलब जो आपने बोला गलत है.
वो जो हंस रहे हैं तो उनसे पूछे मैं क्या लग रही हूँ। अरे मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, मजाक कर रहे हैं, मजाक करें, मजाक। थैंक यू। आई थिंक आज आई हैड टू लिव अप टू द अवार्ड आई हैव रिसीव्ड। कैन आई गेट माय अवार्ड? आई एम द ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी इंसान हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मेरे कैरेक्टर्स हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अब जो आगे जो मीडियम आएगा वो हो, आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट मुझे अगर ये मिला है तो आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने सोच के दिया होगा, दैट आई सेट ट्रेंड्स, एंड आई थिंक इट्स अ बिग 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 कॉम्प्लीमेंट टू मी, और इट्स फीलिंग एक्साइटिंग। इसलिए आज मैंने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट ही करना चाहिए, मुझे सुनने को मिला कि मैं लेडी गागा लग रही हूँ। ओके ओके, बट या आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गो ऑल आउट, मैं डिजर्विंग हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू। थोड़ा सा बहुत लोग फियर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब आप एक टीवी एज अ मीडियम कर रहे होते हो तो आप थोड़े से ना मोनोटोनस हो जाते हो, क्योंकि आप 3-4 साल एक ही टीवी शो कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो, बट दैट्स नेवर द केस विद मी। आई वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट एंड आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ एंड द पीपल अराउंड मी। ट्रेंड सेटर है, मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है अंदर, मुझे स्टाइल दीवा मिल गया है, तो वील हैव टू एक्सचेंज दैट, सो वील चेंज इट, नो प्रॉब्लम। तो हो मैं एक्चुअली ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, एंड बहुत अच्छा लगता है सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो मुझे, आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट टू हियर समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आसान नहीं है सेट करना ट्रेंड्स, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आई हैव बीन अवार्डेड एज ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर। क्यों, मेरा खुद का पर्सनल नहीं हो सकता, मतलब मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी अब, मतलब ऐसा नहीं है, रणवीर रणवीर है यार, सुरभि सुरभि है, और आई काइंड ऑफ फील दैट आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस एवर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूं, यू नो यू गेट टू सी सच गर्ल्स ऑन द रैंप as models, as fashion week mein walk karte hue, so it's an inspired Paris fashion week inspired dress, so I'm going to be very honest and I wanted to experiment with my hair and something exciting, yeah. So ye jo aapke like hair swatching mere hi hai, kisi ke nahi hai aur kahin se leke nahi aaye, ye pink ka ye jo aapne banaya hai, kitna time laga takriban, ye thoda sa difficult hai achieve karna very honestly, and but agar aapki team khatarnak ho to ho jata hai, so I had my hair stylist who got it together and it's my hair only, isse pehle ke koi log jump kare conclusions, done, nahi abhi to bahut sare sawal hai, aise aap baithe the aaj book leke ki Surbhi ji aayengi aur Surbhi ji zyada hai to kya Surbhi ji ko hum sawal puchhenge, puche na, aur hum kya kuch trend setter dekhenge ki kya kuch alag andaaz mein aap dikhai denge। That's what I'm saying. I kind of feel कि अभी medium भी बहुत हमारे पास widen हो गया है, actors के लिए बहुत opportunities आ गई हैं, and वहाँ पर भी set करने का idea है trend in terms of be it web. I'm looking for something like that. So let's see. एक minute, ये दरवाज़ा बंद हो सकता है क्या? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। जैसे टीवी एज अ मीडियम में मैंने काफ़ी एक ही शो में, जैसे मैं जब अपना पहला शो करी थी उसी में मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए, मुझे ऐसा लगा कि टीवी में अब फिर मैं डॉक्टर बन गई, फिर मैं नागिन भी बन गई, सांप बन गई, सो मुझे ऐसा लगा दैट इट्स अबाउट टाइम दैट आई डोंट नो, मैं ना एक्चुअली चलती हूँ अपने इंस्टिंक्ट पे, और मुझे मैं ही जाऊँ क्या दरवाज़ा बंद करके आऊँ, मैं कोई नहीं हो गया, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे चलती हूँ, एंड आई फील इफ द स्टोरी हैज़ दैट मैटर मटीरियल मैं करूँगी, कुछ भी हो सकता है वो, आई डोंट नो, इट कैन बी एनी थिंग, सो आई एम नॉट
not sure what I'm going to what's going to come my way, but I'm open to everything. Business award पर आती हैं तो आप हमेशा माने कि आने वाले दिनों में business women भी हम ऐसे बुलाएंगे आपको एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं बट मैं आज जब सबको देख रही थी यहाँ पे और सब ऐसे सूटेड थे तो मुझे अपने नो प्रॉब्लम मुझे अपने ऑफिस डेज याद आ गए. मैं काम करती थी बिफोर आई वॉज एन एक्टर एंड सबको ऐसे देख के मुझे अपने दिन याद आ गए कि कैसे हम भागा दौड़ी करते थे. यू नो आई वॉज अ event manager and I used to manage events and I used to manage the international marketing of that event. तो मैंने बहुत travel किया है उस चक्कर में और उन सबको मैं ऐसे ही हम लोग को ready होके बोलते थे हमारे जो bosses थे that you have to be prim and proper and today when I look at them I went back to that memory. But वो मेरी जो अंदर की leadership quality है job को लेके काम को लेके चाहे वो आगे जाके production हो कुछ भी हो I don't know anything but वो होगा because वो कभी I can't let that dying. And that's going to happen. I have a feeling कि मैं क्या पता बहुत जल्द अनुष्का शर्मा के पाथ पे जाऊँ. I like the way that she is a producer and I like the fact that lot of Alia now is a producer and I think उनसे inspiration लेना क्योंकि मैं इस industry के बारे में जानती हूँ तो I think that might just be my future plan. So business woman of the year हो सकता है. Yes, best producer. Thank you. Thank you for asking that. Thank you. Thank you. ये वाला कैमरा. अरे भाई क्या कर रहे हो? नीचे. नीचे. हाँ. अरे क्या बात. ओह मिस हो गया. मिस हो. वंस मोर. वंस मोर. वंस मोर. हाँ. बढ़ रही है.